नागरिकता संशोधन बिल को लेकर महू के विधायक उषा ठाकुर ने इसको लेकर विरोध करने वालों को राष्ट्रद्रोही करार दिया है। उन्होंने कहा कि विरोध में प्रदर्शन करना राष्ट्रद्रोह है। विधायक ठाकुर बोली कि वे ही लोग इसका विरोध करेंगे जिनमें मानवता नहीं है या फिर वे संविधान को नहीं मानते हैं। वहीं महू विधायक उषा ठाकुर ने ग्रामीण क्षेत्र के अल्पसंख्यक लोगों की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यक भाई बहन समझदार हैं। वे जानते हैं कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ये कानून बनाना केंद्र का अपना अधिकार और जिस दिन हम शपथ लेते हैं देश को अक्षुण्य बनाए रखने के उसी दिन हम बंध जाते हैं उस प्रतिज्ञा के साथ कि वो हर काम हमें करना पड़ेगा जो देश की एकता अखंडता को कायम रखे। गांव के जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन हैं वो बहुत समझदार हैं, वो सब इस बात को जान रहे हैं कि ये संशोधन विधेयक किसी की भी नागरिकता छीनने वाला नहीं है। ये तो जो प्रताड़ित थे, जो धर्म के आधार पर इन तीनों मुस्लिम देश में प्रताड़ित किए गए, अमानवीय व्यवहार उनके साथ हुआ, सचमुच यदि आप लोग ने भी वो देखा होगा, एक बनाया है, फिल्म भी बनी है उस पर, तो हर आदमी जिसमें थोड़ी भी संवेदना होगी सिहर जाएगा और इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएगा कि उन शरणार्थियों को नागरिकता देना हम सबका परम कर्तव्य है। स्तर पर भी उसके लिए बहुत प्रयत्नरत हूँ और हम आंगनवाड़ियों की बहनों को बुला करके एक अलग प्रकार का डाइट चार्ट भी डिज़ाइन कर रहे हैं कि उपलब्ध साधनों में संतुलित आहार हम घरों में कैसे प्राप्त कर सकें।